स्वागत है दोस्तों आप सभी का। इंडिया बनाम आयरलैंड के बीच में यह मुकाबला है और यहाँ पे पहले मुकाबले में जीत हासिल की थी। तीसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है। पहले ही गेंद पे यहाँ पे KL राहुल ने शानदार तरीके से चौका लगा दिया है इस मुकाबले में, और शानदार तरीके से टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। सामना कर रहे KL राहुल और अच्छा शॉट, फिर से एक बार गेंद कही है सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ, सीधा एक रन लेंगे दोनों बल्लेबाज आसानी की तरफ से। यहाँ पे एक रन पूरा करते हुए इंडिया का स्कोर 5 रन हो चुका है तीन गेंदों के नुकसान पर। यहाँ पे देखना होगा अगली गेंद किस तरह से खेलेंगे। रोहित शर्मा सामना करेंगे इस गेंद का, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है, गैप में धकेल दिया है गेंद को, गेंद गई है सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से शॉट खेलते हुए यहाँ पे रोहित शर्मा अगली गेंद फिर से एक बार डालने के लिए तैयार है। यहाँ पे डेंटी गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाजी में रोहित शर्मा और KL राहुल यहाँ पे मौजूद है। एक बार फिर से हवा में गेंद को खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। रोहित शर्मा ने एक और चौका लगा दिया है। इस ओवर में 3 चौके लग चुके हैं, टीम इंडिया का स्कोर 13 रन हो चुका है। बहुत ही शानदार तरीके से यह मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर से लेग साइड की ओर शॉट को खेल दिया है, गेंद में खेला है, एक रन ले लेंगे दोनों बल्लेबाज शानदार तरीके से। यहाँ पे टीम इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में यहाँ पे तीसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है। और यहाँ पे ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 14 रन है। यहाँ पे एक ओवर की समाप्ति के बाद अब देखना होगा अगले गेंदबाज कौन से होंगे जो कि गेंदबाजी करने के लिए मैदान में आएंगे। टीम इंडिया की तरफ से दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा ने 3 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए अभी तक। सामना करेंगे लिटिल का, रोहित शर्मा करेंगे बल्लेबाजी, फिर से एक बार इस गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन सीधी गेंद गई है गेंदबाज के पास और विकेट यहां पे गिरती हुई। टीम इंडिया की पहली विकेट यहां पे आयरलैंड के खाते में। रोहित शर्मा ने 9 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए, अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों आउट हो चुके हैं। फिर से एक बार आए हैं ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में। शानदार तरीके से आज बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोस्तों ईशान किशन को। और इंडिया बनाम आयरलैंड के बीच में ये तीसरा T20 मुकाबला खेला जा रहा है। अगली गेंद फिर से एक बार लिटल लेके दौड़ते हुए ईशान किशन सामना करेंगे इस गेंद को, फिर से एक बार लेग साइड की तरफ खेलना चाहेंगे, एक रन लेंगे दोनों बल्लेबाज और विकेट भी जा सकती थी अगर कैच पकड़ा जाए तो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कैच यहाँ पे पकड़ा नहीं गया है दोस्तों, ड्रॉप हो चुका है कैच। और फिर से एक बार अगली गेंद लेके तैयार है लिटल, सामना करेंगे KL राहुल, बहुत ही शानदार तरीके से KL राहुल अगली गेंद को, इस गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन सीधी गेंद गई फील्डर के पास और यहाँ पे एक और विकेट यहाँ पे इंडिया की तरफ से गिरती हुई और आयरलैंड की टीम यहाँ पे इंडिया के ऊपर हावी नजर आ रही है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया KL राहुल ने और 5 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। शिखर धवन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत दिनों के बाद वापसी हुई है उनकी आज के मुकाबले में, अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगली गेंद किस तरह से खेलेंगे, शिखर धवन सामने हैं और दोस्तों अच्छी बल्लेबाजी करना पड़ेगा दोस्तों ईशान किशन और शिखर धवन को। एक और छक्का लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद गई है सीधी फील्डर के पास, एक और विकेट यहाँ पे इंडिया की गिरती हुई और शानदार तरीके से यहाँ पे गेंदबाजी देखने को मिल रही है आयरलैंड की टीम की तरफ से। शिखर धवन ने भी अपना खाता नहीं खोला है और आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज आए रविंद्र जाडेजा, बहुत सारी विकेट गिर चुके हैं इंडिया की तरफ से, अब रविंद्र जाडेजा अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं, लिटिल को हैट्रिक मिल सकती है आज के मुकाबले में। अगली गेंद रविंद्र जाडेजा के सामने लिटिल की और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है लेग साइड की ओर, 4 रन जाएगी गेंद के लिए और शानदार तरीके से यहाँ पे चौका लगाया है। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है रविंद्र जाडेजा के द्वारा। फिर से एक बार अगली गेंद सामना करेंगे रविंद्र जाडेजा, पहली गेंद पे चौका जरूर से लगाया था। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है, गेंद गई है हवा में सीधी 6 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 25 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पे। हालांकि दोस्तों देखना पड़ेगा अगले बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं आज के दिन में। स्टर्लिंग आया है यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे रविंद्र जाडेजा, ईशान किशन सामना करेंगे दोस्तों। इस गेंद को फिर से एक बार खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, मुझे लगता है कि चौका लग सकता है इस गेंद पे और शानदार तरीके से ईशान किशन ने इस गेंद को धकेल दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई।
यहाँ पे मुकाबला बहुत ही बेहतरीन चल रहा है इंडिया बनाम आयरलैंड के बीच में। तीसरा टी ट्वेंटी मुकाबला ही है। अगली गेंद फिर से एक बार सामना करेंगे ईशान किशन। इस गेंद को उठा के खेलने का प्रयास किया है, गेंद गई है हवा में और सीधी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ चार रनों के लिए जाती हुई। और शानदार तरीके से बल्लेबाजी की मुजारा देखने को मिल रहा है टीम इंडिया की तरफ से। ईशान किशन और रविंद्र जाडेजा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों आज के दिन में। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन वन बाउंस और यहाँ पे फील्डर के पास जाती हुई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। 33 रन हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है दोनों बल्लेबाजों के बाद। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विकेट जीत चुके थे लेकिन फिर से एक बार वापसी की है टीम इंडिया की तरफ से। इस गेंद को उठा के खेल दिया है ईशान किशन ने, सीधी गेंद जाएगी सामने की तरफ चार रनों के लिए गेंद जाती हुई। बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जाडेजा और ईशान किशन के द्वारा। अगली गेंद लेके तैयार है लिटल, सामना करेंगे ईशान किशन। इस गेंद को फिर से एक बार सामने की तरफ मोड़ दिया है लेकिन मुझे लगता है कि फील्डर के पास जाएगी गेंद, लेकिन दोस्तों फील्डर ने यहाँ पे कैच ड्रॉप किया है एक ओवर और एक और जीवनदान मिलता हुआ ईशान किशन को। और शानदार तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी का मुजाहरा देखने को मिल रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी है। अगली गेंद फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गेंद निकल गई है, फील्डर के पास गई है विकेट कीपर के पास। 41 रन हो चुके हैं तीन विकेट के नुकसान पे टीम इंडिया का स्कोर। अब देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जाडेजा और ईशान किशन, यहाँ पे दोनों बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद है। तीन विकेट के नुकसान पे बहुत सारे यहाँ पे रन बन चुके हैं लेकिन दोस्तों अगली गेंद फिर से एक बार सामना करेंगे अजीब का। रविंद्र जाडेजा इस गेंद को सामने की तरफ खेल दिया है लेकिन फील्डर मौजूद है, तेजी की रफ्तार से अपनी गेंद को वापस विकेट कीपर के पास भेजा है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। अगली गेंद फिर से एक बार लेकर तैयार है अधीर, सामना करेंगे रविंद्र जाडेजा। इस गेंद को बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है लेकिन दोस्तों गेंद निकल गई है फील्डर के पास से, सीधी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ चार रनों के लिए। यहाँ पे एक और चौका यहाँ पे मिलता हुआ, शानदार तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगली गेंद फिर से एक बार लेकर तैयार है अधीर, सामना करेंगे रविंद्र जाडेजा। नो बॉल और नो बॉल यहाँ पे दिया है अंपायर ने लेकिन इस गेंद पे बड़ा शॉट खेलकर रविंद्र जाडेजा ने छक्का लगा दिया है नो बॉल गेंद पर। और यहाँ पे फ्री हिट आया है, देखना होगा रविंद्र जाडेजा किस तरह से खेलते हैं फ्री हिट में। पांच गेंदों पे 20 रन बनाकर खेल रहे रविंद्र जाडेजा, अब फ्री हिट में चौका छक्का लगा पाएंगे या नहीं। तो एक और गेंद को उठा के खेलने का प्रयास किया है, सीधी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ चार रनों के लिए। फ्री हिट का यहाँ पे फायदा उठाते हुए रविंद्र जाडेजा बहुत ही शानदार तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है टीम इंडिया की तरफ से। 56 रन हो चुके हैं तीन विकेट के नुकसान पे, थोड़ा सा आगे आए हैं रविंद्र जाडेजा। फिर से एक बार नो बॉल का इशारा यहाँ पे देखने को मिला है, मुझे लगता है कि गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ, खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है आयरलैंड की टीम की तरफ से। और यहाँ पे चौका लग चुका है, एक और नो बॉल यहाँ पे दिया है अंपायर ने, अब देखना होगा अगली गेंद किस तरह से खेलेंगे। सामना करेंगे यहाँ पे रविंद्र जाडेजा और इस गेंद को बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है, सीधी गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ चार रनों के लिए गेंद जाती हुई। शानदार तरीके से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा दर्शक भी खुश नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में। पार्टनरशिप भी हो चुकी है 50 रनों की 14 गेंदों पर, अब देखना होगा छक्का भी लग सकता है इस गेंद पर। और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है, गेंद को भेज दिया है सीधी स्टैंड के अंदर 6 रनों के लिए। शानदार तरीके से छक्का लगता हुआ यहाँ पे रविंद्र जाडेजा की बल्लेबाजी में। यहाँ पे कप्तान नाखुश है आयरलैंड की टीम की तरफ से, 71 रन हो चुके हैं तीन विकेट के नुकसान पे। अब देखना होगा अगली गेंद किस तरह से खेलेंगे रविंद्र जाडेजा। एक और बड़ा शॉट खेला है, फिर से एक बार फील्डर के ऊपर से चार रनों के लिए गेंद जाती हुई।